आज मैं इकरार करता हूं कि मैं भी लिफाफे के इंतजार में हूं। आज मैं इकरार करता हूं कि मैं भी किसी मतलब की वजह से इमरान खान को सपोर्ट करता हूं, और उसकी वजह क्या है ये भी आज खुलकर बताऊंगा। आज मैं साबित करूंगा कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान अहमद खान नियाज़ी अल्लाह का मुंतखब किया हुआ दीन इस्लाम का सिपाह सलार है। सबसे पहले शुरू करूंगा उस पाक हस्ती की हदीस शरीफ से कि जिस पर हम सबका ईमान है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मुझे हिंद से ठंडी हवाएं आती हैं। फिर तारीख कहती है कि ये पहले से ही बता दिया गया था कि वक्त आएगा कि इस्लाम का घर यानी अरब भी दौलत और ऊंची ऊंची इमारतों की दौड़ में लग जाएगा, और फिर एक तबका हिंद की सरजमीन से उठेगा जो दुनिया में इस्लाम का परचम सरबुलंद करेगा। और इसी हदीस को सामने रखकर इकबाल ने कहा था कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है, यानी मौजूदा पाकिस्तान। होंगे कुछ लोग इमरान खान को सपोर्ट करने वाले जो हुकूमत में नौकरी करते हैं, होंगे मीडिया के कुछ लोग जो इमरान खान को इसलिए भी याद करते हैं कि उनको टीआरपी मिलती है, लेकिन बखुदा मुझ जैसे हजारों नाचीज जिन्होंने सारी जिंदगी इस चमन की हिफाजत की कसम खाई है, अपना वक्त, अपनी रिसर्च, अपनी जान इस शख्स पर लुटाने को तैयार हैं, वो भी मुफ्त में। क्यों? सिर्फ इसलिए कि तारीख सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, अहदीस सिर्फ एहतराम करने के लिए नहीं है, बल्कि इन पर ईमान वाजिब है। मैं इमरान खान का गुलाम न था और न हो सकता हूँ, पर मैं मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम हूँ, उनकी हदीस का गुलाम हूँ, इस्लाम की तारीख का तालिब इल्म हूँ और शरीयत का ताबेदार हूँ। अपनी नाकस सी अकल के मुताबिक कुर्बे कयामत के आसार देख रहा हूँ, अरब को पैसे और ऊंची ऊंची इमारतों की दौड़ में लगे देख रहा हूँ, इस्लाम मुखालिफ प्रोपेगेंडा और सारी दुनिया की कोशिशें देख कर मेरा ईमान ताजा हो चुका है कि अब वक्त आ गया है कि इस हदीस के मुताबिक हिंद से कोई निकलेगा। चलो और ढूंढते हैं वो कौन है, निशानियां देखते हैं। अगर अपनी बात करूं तो मैंने 2019 में अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में इस्लाम का एक शेर देखा जिसने धाड़ते हुए बिला खौफ पूरी दुनिया को बताया कि अल्लाह हक है, अल्लाह सच है, दीन सिर्फ एक है और वो दीन मुहम्मदी है, ला इलाहा इल्लल्लाह। अगर हमें तंग किया गया तो हम लड़ेंगे। खुदा गवाह है कि उस दिन मेरी आंखों में आंसू सिर्फ इसलिए थे कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि अपनी जिंदगी में इस्लाम का नारा फिर से बुलंद होता देखा। वो दिन है और आज का दिन है, उस शख्स ने इस्लाम की वो खदमात की है कि बड़े बड़े उलमा किराम भी उसे मान गए। मिंबरों पर उस शख्स के हक में दुआएं निकली और मेरे जैसे दीनों वतन के वफादार सर झुकाए हाथ बांधे उस शख्स के सिपाही बनकर खड़े हो गए। आज सुनाता हूँ उसने इस्लाम के लिए क्या क्या किया है। सबसे पहले दुनिया की चोटी यानी अक़वाम-ए-मुत्तहिदा में सबके सामने कहा कि हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन मत करो, जब आप लोग उनकी शान में गुस्ताखी करते हो तो हमारा खून खौलता है और फिर मुसलमान आपे से बाहर होता है। जिसके बाद दुनिया ने देखा कि अरब ममालिक भी जाग उठे, रूसी सदर प्यूटिन ने भी हाँ में हाँ मिलाई, चेचनिया के मुसलमान अश अश कर उठे, उर्दगान ने गले से लगाया, मोहम्मद बिन सलमान चलकर पाकिस्तान आया, मलेशिया, कतर, अमारात, ईरान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, गर्ज हर मुसलमान मुल्क ने उस शख्स को खराज तहसीन पेश किया। इसी इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में कुरान मजीद और दीगर पाक किताबों के लिए इम्पोर्ट किए जाने वाले पेपर तक पे टैक्स लगा हुआ था, जो टैक्स इस इमरान खान ने खत्म कर दिया कि दीनी कुतब हर पाकिस्तानी कम से कम हदिया में खरीद सके। समुन्द्र पार श्रीलंका में वबा से मरने वालों को जला दिया जाता था, वहाँ के मुसलमानों की दुहाई सुनकर इस इमरान खान ने श्रीलंकन हुक्मरान को इस बात पर कायल किया कि मुसलमानों को अपने प्यारों को जनाजे पढ़ाने दो, जिसकी बात मानते हुए श्रीलंका की हुकूमत ने कानून बदल दिया। सरवरे कायनात की विलादत पर दुरूदो जिक्र मुस्तफा और असम्बलियों में चरागा करके इस वतन की फिजाओं को हजूर के जिक्र से मुअत्तर कर दिया। रहमतुल्लिल आलमीन एकेडमी बना दी कि जिसमें उलमाए इकराम को शामिल किया और कहा इस कौम के बच्चों को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पर चलना सिखाएं। स्कूलों, कॉलेजों, यूनिवर्सिटियों में कुरान पाक उर्दू में पढ़ना लाजिम करार दे दिया कि इसके बगैर डिग्री भी नहीं दी जाएगी। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन का विर्द करने वाले इस इमरान खान का चर्चा पूरी दुनिया के मीडिया पर हुआ कि इस दुनिया में एक मुसलमान लीडर ऐसा भी है जो जब मदीना पहुंचता है तो ताजीम में मदीने की मिट्टी पर जूता तक नहीं पहनता। हाथों में तस्बीह, जुबान पर दुरूद पाक, जिस्म पर कौमी लिबास, पुर एतमाद चेहरा, जिस मुल्क भी गया रस्ते भी गवाही देने लगे कि कोई मुसलमान लीडर आया है। वाहिद लीडर जो इस्लाम के कानून को मानते हुए फौरन अदालत में पेश हुआ कि अगर हक में वक्त को भी काजी बुलाए तो काजी के सामने पेश होना है। भारत की तरफ से दोस्ती और तिजारत बढ़ाने का खत आया तो भारतीय मुनाफकत और दोहरे मयार पर यह कहकर इनकार कर दिया कि जब तक कश्मीरियों को उनका हक नहीं देते तुमसे तिजारत भी नहीं करूंगा। इसराइल ने फलस्तीन पर हमला किया तो रातों रात अपने वजीर खारजा को अमरीका भेजा, हंगामी बुनियादों पर अक़वाम-ए-मुत्तहिदा का इजलास बुलाया और जंग बंदी करवाई और बगैर डरे उनके मुंह पर ये भी बोलकर आए कि तुम लोग डीप पॉकेट्स पर चलते हो यानी मुनाफिक हो। कौमी लिबास पर किसी ने पूछा कि आप शलवार कमीज ही क्यों पहनते हैं,
तो उसने कहा दो वजूहात हैं कि अगर एक हुक्मरान ही कौमी लिबास न पहने तो उसकी अवाम कैसे कौमी लिबास को इज्जत देगी, और दूसरी ये कि कौमी लिबास मेरे अपने मुल्क का है, मेड इन पाकिस्तान है, तो मैं चाहता हूं कि हम मेड इन पाकिस्तान चीजें ही इस्तेमाल करें, और जब तक मैं खुद मिसाल नहीं बनूंगा दूसरों से भी तवक्को नहीं करनी चाहिए। यहाँ तक कि बैंक मुलाजमीन को भी कहा कि आप लोग भी कोशिश करें कौमी लिबास पहने, क्योंकि कौमी लिबास में सादा अवाम आपसे ज्यादा एतमाद से बात कर सकते हैं। वो और बात है कि उसके इस मशवरे पर मेरे टीवी चैनल्स पर बैठे फनकारों और तज़िया निगारों ने मजाक में उड़ा दिया। वाहिद लीडर जिसने बेहयाई खत्म करने के लिए औरतों को कुरान के मुताबिक कहा कि पर्दा करें, कपड़े ठीक पहने, हालांकि ये ऐन हुक्म कुरान है कि अपनी औरतों से कह दो कि जब बाहर निकले तो अपना जिस्म ढांप ले, मगर उस मशवरे पर भी मेरे मीडिया समेत अपोजिशन और तमाम उलमाए इकराम में से भी कोई इसकी हिमायत को ना आया, और वो मशवरा भी मजाक में उड़ा दिया गया। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि इमाम मस्जिद की भी तनख्वाह होना चाहिए, उसकी तनख्वाह मुकर्रर कर दी। पहला वजीर आजम जिसको ख्याल आया कि मदरसों में पढ़ने वाले लाखों बच्चे दुनियावी तालीम से महरूम रह जाते हैं, उन्हें बराबरी का मौका दिया कि वो जिस तकनीकी फील्ड में भी चाहे जा सकते हैं। जिस मुआशरे में हमने ज़कात देना बंद कर दी, गरीबों से नजरें चुरा ली, इस शख्स ने कौमी खजाने का मुंह खोल दिया, मुश्तरका फंड कायम करके एहसास कैश के नाम पर 12 से 14 हजार रुपए फी खानदान लगा दिए ताकि गरीब भूखा न रहे, मस्जिद में बैठकर सैकड़ों लोगों के सामने सूद के बाइकॉट की शुरुआत कर दी और बिला सूद कर्ज दिया। इस्लामी कानून के मुताबिक गरीब अमीर का इलाज और तालीम में फर्क खत्म करने के लिए सेहत कार्ड और यकसा निसाब मुतारफ करवाया। जेलों में कैद मर्दों और औरतों तक को पसे पुष्ट नहीं डाला, बल्कि इस्लाम के मुताबिक हर मर्द कैदी को सहूलत दी कि जेल के अंदर ही अलग कमरे में 4-5 महीने के बाद 3 दिन के लिए अपनी बीवी बच्चों के साथ वक्त गुजार सकता है ताकि शरीयत के मुताबिक निकाह कायम रहे। हिंदुस्तानी ड्रामों फिल्मों को पाकिस्तान में बंद कर दिया ताकि फहाशी ना फैले, और इस्लामी तारीख पर मबनी ड्रामे अड़तरल वगैरह चलाए ताकि इस कौम को याद दहानी हो कि इस्लाम क्या है और हम कहाँ जा रहे हैं। खानदानी निजाम को मजबूत करने के लिए तमाम तर कानून साजी की कि कोई अपने वालदैन को घर से ना निकाले और ना कोई वालदैन अपने बच्चों को घर से निकाले। गंदी फोहश वेबसाइट्स को मुकम्मल बैन करवा दिया, और मैं सदके जाऊं फख्र मुझे उस वक्त और भी हुआ जब चेचनिया के बहादुर तरीन मुसलमानों के लीडर ने रूस के दौरे पर गए कप्तान से मिलकर कहा कि मेरी 2019 से जब से आपने अक़वामे मुत्तहिदा में कलमे की सदा बुलंद की थी ख्वाहिश थी कि आप जैसे इस्लाम के बहादुर लीडर से मुलाकात हो सके। इस वक्त भी ये शख्स पूरी दुनिया के ममालिक में ये कवानीन बनवाने में मसरूफ है कि दीन इस्लाम की तौहीन करना जुर्म तसव्वुर किया जाए, और अब अल्हम्दुलिल्लाह रूस और अमेरिका में ये कानून बन चुका है कि आजादी राय की आड़ में इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करना जुर्म है। भारत समेत इस्लाम के दुश्मन ये चीख चीख कर कह रहे हैं कि इमरान खान पाकिस्तान को शरीयत पर चलाना चाह रहा है, स्कूलों में निसाब तालीम को मुकम्मल इस्लामी करना चाहता है। यही वजह है कि इस शख्स के दुश्मन दिन रात इसको हटाने की कोशिश में मसरूफ है। मगर जैसा मैंने कहा, जाओ बड़े बड़े मुफक्किरीन से राय लेकर देख लो। फहम फरासत वाले लोग तुमसे यही कहेंगे कि इस वक्त पाकिस्तान में ही नहीं पूरी दुनिया में अगर कोई इस्लाम और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सच्चा सिपाही है तो वो ये इमरान अहमद खान न्याजी है। मैंने आज की इस वीडियो में सिफारती तिजारती कामयाबियों का जिक्र नहीं किया, और ना मुझे उन कामों से ज्यादा गर्ज है, मुझे इन कामों से ज्यादा उन कामों पर फख्र है जो इसने दीन इस्लाम के लिए किए हैं। ऐसे और बहुत से काम हैं जो अल्लाह ने इससे लेने हैं, और इंशाअल्लाह एक दिन आएगा कि मैं नहीं होऊंगा, इमरान खान भी दुनिया से चला जाएगा, मगर ये मेरी वीडियो सबूत के तौर पर आने वाली नस्लें देखेंगी और हक पर चलने का फल दुआओं की शक्ल में देंगी। वो मेरा लिफाफा होगा, वो मेरी तनख्वाह होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।